हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत अच्छा एंड हेल्दी सैलेड बताने जा रही हूँ। नॉर्मली हमारे बच्चे सैलेड नहीं खाते, बट ये सैलेड का एक तो कलर बहुत अच्छा आता है बिकॉज वी आर हैविंग बीटरूट इन दिस। हम बीटरूट कोल्ड सैलेड बना रहे हैं, उससे बहुत अच्छा एक पिंक कलर आता है जो बहुत अच्छा बच्चों को अट्रैक्ट करता है। तो लेट्स सी कि हमने इसमें क्या क्या डालना है और ये हेल्दी हमारा सैलेड कैसे है। ये हंकड़ हमने लिया हुआ है, इसको हमने 3-4 घंटे दही को टांग के रखा था। कुछ नहीं है, सिर्फ हंकड़ है ये। एंड ये हमने इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काटे हुए हैं, जैसे कॉर्नस हैं, एप्पल है, पियर्स है, इसमें खीरा है, और भी आपको वेजिटेबल डालना चाहें जो आपके बच्चों को पसंद है आप डाल सकते हैं। ये हमने अनार छील के रखा हुआ है। ये हमारा बीटरूट की प्यूरी है, एक वैसे बहुत हेल्दी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। एंड सेकेंडली इसको हमने घर में बनाया हुआ है। कोई भी बीटरूट आप लीजिए, उसको हल्का सा बॉईल करके आप उसको मिक्सी में चर्न करके थोड़ा सा इसमें नमक एंड थोड़ी सी शुगर के साथ अब इसको कुक करके इस तरीके से आप बीटरूट प्यूरी तैयार कर सकते हैं। एक मैंने ये कैंडिड बीटरूट बनाया हुआ है जो हम ऊपर से गार्निशिंग करेंगे अपने सैलेड की। इसके ब्रीक ब्रीक बीटरूट को काट के हल्का सा बॉईल कीजिए चीनी के साथ, उसको जैसे हम मुरब्बा पकाते हैं उस तरीके से हमने इसको पकाना है। ये बहुत अच्छा टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है, एंड ये हमारे सैलेड को बहुत अच्छा ये गार्निश करेगा। थोड़ा सा हनी डालेंगे थोड़ा स्वीट इसमें फ्लेवर लाने के लिए, एंड ब्लैक पेपर, इवन इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। और ये थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने अपने हंकड़ को अच्छे से बीट कर लेना है, बस थोड़ा सा, जिससे हमारा स्मूथ हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा ये डालेंगे अपना हनी, थोड़ा सा स्वीट एंड अच्छा फ्लेवर देने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर एंड थोड़ा सा हम डालेंगे सॉल्ट। जब हमने ये फ्रूट्स काटे थे इसमें थोड़ा सा हमने नींबू डाल के रखा था, जिससे हमारे फ्रूट्स काले नहीं हुए, और थोड़ा सा नींबू डालने से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का टेस्ट एनहेंस हो जाता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने हंकड़ के अंदर हनी, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर हमने ऐड कर लिया। नाउ अब हम इसमें अपने ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाल देंगे। इसको हम इतने अच्छे से सेट करते हैं कप्स में, बच्चों को लगता है कि दे आर हैविंग समथिंग क्वाइट डिफरेंट थिंग। ये देखिए, जितने फ्रूट्स आपको चाहिए आप इसमें डाल सकते हैं, आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं जो आप अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं। दिस इज़ वन टाइप ऑफ हाइड एंड सीक। इस तरीके से ये हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा अपना आप ये डाल देंगे अनार जो हमने छील के रखा हुआ है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें अपनी डालेंगे बीटरूट की प्यूरी। देखना इससे एकदम से कितना अच्छा कलर आ जाएगा इसमें सैलेड में। लुक एट दिस, इतना अच्छा कलर आ गया, बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि दे आर हैविंग सैलेड और समथिंग स्वीट डिश, एंड इट्स क्वाइट हेल्दी। कलर देखिए, लुक एट दिस, कितना अच्छा कलर आ गया हमारे सैलेड का। देखिए इसमें कुछ भी हमने आर्टिफिशियल नहीं डाला है, एवरीथिंग इज नेचुरल। थोड़ी सी प्यूरी और डाल देंगे इसमें। लुक एट दिस, कितना सुंदर कलर आया है। नो वन कैन जज इज ये सैलेड है या क्या है। अब हम इसको नॉर्मल तरीके से नहीं पेश करेंगे, हम इनको अपने कप्स में सेट करेंगे। इस तरीके से इसको हम कप में डालेंगे। इस तरीके से हम इसको अपने कप्स में डालेंगे। ये देखिए, ये थोड़ी सी मेयोनीज है जो मैंने इसमें डाल के रखी, थोड़ा सा इसको डाइल्यूट किया हुआ है। इसे हम इसको थोड़ा सा डिजाइन देंगे लाइक दिस। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा अपना ये कैंडिड बीटरूट डालेंगे। नो वन कैन जज कि ये आप सैलेड खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं। इट्स क्वाइट हेल्दी और हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ये पुदीने का पत्ता है, ये फ्रेशनेस देगा हमारे सैलेड को, इससे हम इसको डेकोरेट करेंगे। देखिए 5 मिनट में हमारा कितना अच्छा सैलेड तैयार हो गया। ये लीजिए, इसको हम फ्रिज में सेट कर देंगे और हम अपने बच्चों को देंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि वो सैलेड खा रहे हैं कि कोई स्वीट डिश खा रहे हैं।